हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी लेके आए हैं, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस जरूर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज, अदरक और लहसुन और टमाटर, इन सब चीजों को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और मसालों में हमने हल्दी, मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और अपने टेस्ट के अनुसार नमक लिया है। अब हम थाल में बेसन को लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा तेल और आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालते हुए जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे हम इसको गूंदेंगे। बेसन हमारा गूंद चुका है, अब हम थोड़ा सा बेसन लेते हुए हाथों की मदद से इसको बेल के रख लेंगे। हमने सभी लोइयों को हाथों की मदद से बेल के रख लिया है। एक पतीले में हमने पानी को उबाला है, जो हमने लोइयों लंबी लंबी बेली हैं बेसन की, इसके बीच हम डाल देंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर उबालेंगे। एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। हल्का ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे। मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। जो हमने गट्टे को बेल के उबालने के लिए रखे थे उसको हमने एक थाल में निकाल लिया है, अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिए हैं और साथ ही हमने जो अपना मसाला तैयार किया है उसने भी तेल छोड़ दिया है। देखिए हमारा बनके मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने बेसन के गट्टे तैयार किए हैं उसको हम इसके बीच डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1.5 जग पानी ऐड करेंगे और इसको हम 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। दो चार मिनट के बाद अब हम इसको कड़छी की मदद से हिलाते रहेंगे। सात आठ मिनट के बाद देखिए हमारी सब्जी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है।
और इसको हम 4-5 मिनट के लिए और पकाएंगे। चार पांच मिनट के बाद देखिए हमारी सब्जी में कितनी रंगत आई है, ये देखने में कितनी लाजवाब लग रही है। सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हमारी गट्टे की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।